हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज लोधी। हम इनसाइड आईएएस डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 2 अगस्त और सबसे पहली स्कीम आयुष्मान भारत के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयुष्मान भारत। अभी हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर और नेशनल हेल्थ अकाउंट के बीच में आयुष्मान भारत स्कीम को लेके एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके थ्रू आयुष्मान भारत स्कीम कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू इसको हमारे देश में इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इस एमओयू, इस एग्रीमेंट के क्या क्या फीचर हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम स्कीम समझ लेते हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। इस हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत हर एक जो फैमिली है हमारी कंट्री में, जो बहुत ज़्यादा पुअर, गरीब और जो बहुत ज़्यादा वनरेबल फैमिलीज़ हैं, इनको सालाना 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनको हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्च है, गवर्नमेंट आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इनका खर्च उठाएगी। फिर से बोलता हूँ, आयुष्मान भारत स्कीम एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। इसके तहत हमारी कंट्री में 10 करोड़ जो सबसे ज़्यादा गरीब फैमिलीज़ हैं, उनको सालाना तौर पर 5 लाख रुपए का खर्च गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। इसमें सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च उठाया जाएगा। देखिए, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब, आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आप किसी के पास ओपीडी में दिखा लेते हैं, दैट इज़ प्राइमरी। सेकेंडरी लेवल पर ट्रीटमेंट, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, और आपका कुछ दिन ट्रीटमेंट चलता है। और टर्शरी केस ऐसा हो गया कि आपको कैंसर हो गया है, आपको टीबी है, और आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट चलता है। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर जो हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, इसमें एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपये गवर्नमेंट, इतने रुपये का खर्च गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। गवर्नमेंट की पहले से 2 स्कीम चल रही हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनको सब्ज्यूम कर लिया गया है, इसी में उनको मिक्स कर दिया गया है। कुछ और हाईलाइट की बात करें तो, मैंने बताया इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का बेनिफिट कवर देने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ कि फैमिली में कितने मेंबर हैं, इस बात से इंडिपेंडेंट ये स्कीम है। आपकी फैमिली में 2 मेंबर हैं या आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, सभी को 5 लाख रुपए, एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का बेनिफिट कवर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो वीमन चिल्ड्रन या सीनियर सिटीजन कोई भी फैमिली में मेंबर है, तो उनको स्पेशली कवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है। इस स्कीम के तहत फैमिली साइज पर और एज पर कोई कैप नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो ही उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जाएगा, 10 लोग हैं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। फैमिली साइज पर कोई कैप नहीं है, एज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 60 साल से ऊपर होंगे तो आपको एज के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो एज है कुछ भी हो सकती है, और आपका सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च है वो गवर्नमेंट के द्वारा डील किया जाएगा। इस स्कीम के टारगेट की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट जो पुअर और वनरेबल फैमिलीज रहेंगी, ऐसी 10 करोड़ फैमिली को SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डाटाबेस लिया जाएगा, और फिर ऐसे जो पुअर और जो वनरेबल फैमिलीज हैं उनको इसका कैशलेस बेनिफिट दिया जाएगा। कैशलेस बेनिफिट, देखिए इधर पे मैं क्लियर कर दूं, आयुष्मान भारत में गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देगी, आपको ट्रीटमेंट कराना है कैशलेस। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल का खर्च है वो किसी भी तरीके से उसका पेमेंट कर देगी, ठीक है। इसमें बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई भी तरीका आजमा सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी से डील कर सकती है स्टेट के अंदर, LIC या कोई भी XYZ कंपनी के, आप जो भी वेरियस हमारा आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है इसका पेमेंट आपके थ्रू होना है, या गवर्नमेंट कोई ट्रस्ट सोसाइटी बना सकती है, या कोई मिक्स्ड मॉडल भी अपना सकती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत कोई नया पॉलिसी का डायरेक्शन देना है। सेंट्रल और स्टेट को यूनिफाइड करने के लिए एक आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन
काउंसिल बनाई जाएगी जो कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्टर है वो उसका चेयरमैन होगा, और आयुष्मान भारत के तहत कोई भी नए डायरेक्टिव दिए जाते हैं तो ये काउंसिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें वो सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। बात करें एलिजिबल की, तो मैंने बोला कि जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं उनको SECC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटाबेस है 2011 का, उसके बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें काफ़ी डिटेल से बातें दी गई हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, ये जो पूरी आयुष्मान भारत स्कीम है मैं काफ़ी डिटेल से समझा रहा हूं, कारण ये है कि कहां से कौन सा फैक्ट क्वेश्चन बन जाए कह नहीं सकते, और ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। SECC डाटाबेस का यूज़ करते हुए आयुष्मान भारत के जो बेनिफिशरी हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें बात की गई है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसी फैमिली जिनमें एक घर के मकान में कोई फैमिली रह रही है, उसकी दीवारें कच्ची हैं या कच्चा छत डला हुआ है, तो ऐसी फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। ऐसी फैमिली जहाँ पे कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है 16 से 59 साल के बीच में, तो उन फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा। ऐसी फैमिली जिनमें जो हेड है वो फीमेल होती है और कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है 16 से 59 साल के बीच में, उनको कवर किया गया है। ऐसी फैमिली जहाँ पे अपाहिज लोग हैं, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि सही सलामत हो, उनको कवर किया गया है। SC ST हाउसहोल्ड को कवर किया गया है। इसके अलावा ऐसे परिवार जो कि लैंडलेस हैं, उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है और वो अपना जो पूरा खर्च है वो आपका मैनुअल कैजुअल लेबर से कमाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि दिहाड़ी मजदूरी करके यदि कोई परिवार अपना खर्च चलाता है तो उसको भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें दी गई हैं, जैसे कि ऐसी फैमिली जिसके पास खुद का कोई घर नहीं है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं, मैनुअल स्केवेंजर मतलब जो मैनुअली मल मतलब जो गंदगी रहती है उसको कलेक्ट करते हैं, ऐसी फैमिलीज़ को मैनुअल स्केवेंजर फैमिली बोलते हैं, तो ऐसे लोग कवर किए गए हैं। इसके अलावा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो भी कवर किए गए हैं। हाल ही में कोई बॉन्डेड लेबर को छोड़ा गया है, या अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट ने 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी हैं उनको भी इस स्कीम के तहत कंसीडर किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। अब मैं आपको कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में और भी बता दूँ। कॉमन सर्विस सेंटर, देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो कॉर्नर स्टोन होते हैं, मतलब डिजिटल इंडिया स्कीम है, गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज़ रहते हैं, रूरल एरियाज़ रहते हैं, यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं। 2 या 3-4 रूम का एक एरिया होता है, एक जगह होती है जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखे रहते हैं, और आप वहाँ जाके जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, तो आप इन जो डिजिटल सर्विस सेंटर होते हैं जिनको कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, इधर पे जाके आप अपने आप को आइडेंटिफाई करा सकते हैं, गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम है तो उनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा जो MOU साइन हुआ है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर और नेशनल हेल्थ अकाउंट, जिसमें मैंने बोला था कि नेशनल हेल्थ अकाउंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है किसी कंट्री में उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इस MOU के तहत जैसे मैंने बताया आयुष्मान भारत को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लिंक कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हेल्थ बेनिफिट ले लिया लेकिन अब आप बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, तो आपको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो आपका आधार कार्ड या जो वोटर कार्ड है उसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपके KYC डॉक्यूमेंट इन कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू वेरीफाई कर लिए जाएंगे। तो ये था आपका आयुष्मान भारत के बारे में, जिनमें हमने काफ़ी डिटेल से बात की। मैंने बोला ये एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम थी, इसमें हमने वेरियस टाइप के जो भी बेनिफिशरी होंगे उनके बारे में डिस्कस किया, और मैंने बोला कि इसमें गवर्नमेंट आपको सालाना तौर पर 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट का खर्च गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। इसमें सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर ट्रीटमेंट का खर्च उठाया जाएगा। इसके अलावा इधर पे मैं एक बात बताना भूल गया, अक्रॉस द कंट्री आप कहीं भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में ही आप ट्रीटमेंट कराएंगे तभी आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, नहीं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट कराते हैं और अक्रॉस द कंट्री आपका दिल करे तो आपको बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है या कहीं भी आप XYZ सिटी में इन बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपका खर्च उठाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन के बारे में है। भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इंडिया को स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन फर्स्ट का स्टेटस दिया है।
इंडिया साउथ साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको ऐसा स्टेटस दिया है। देखिए, इसमें काफ़ी डिटेल में डेफिनेशन वगैरह सारे फैक्ट दिए हुए हैं, मैं आपको समराइज़ करके बड़ा सिंपल से वे में बता देता हूँ। स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन स्टेटस इंडिया को दिया गया है यूएस के द्वारा। यूएस में क्या रहता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, वो डिफेंस को, जो डिफेंस की वेपनरी है इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसके लिए सेपरेट कंपनीज रहते हैं। वो जो भी डिफेंस जो वेपन्स बनाते हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा रहता है। तो यूएस की गवर्नमेंट ने भारत को ये स्टेटस दे दिया, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन स्टेटस। इसके तहत यूएस की जो डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, अब वो और ज़्यादा इजी वे में और एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि हाईटेक जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा, लेकिन अब इसमें एक टाइप का रियायत दे दी गई है इंडिया को, और ज़्यादा इस स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का स्टेटस मिलने के बाद फ़ायदा होगा। इसके अलावा आगे बात करूं तो अमेरिका ने भारत को 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया था, ठीक है, और अब अमेरिका के द्वारा इंडिया को एसटीए स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का स्टेटस दिया है। इससे इंडिया अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं, जो सबसे सेंसिटिव सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रह गई वो इंडिया अब उसको परचेस कर सकेगा, या वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया को ऐसी वेपनरी बहुत आसानी से अवेलेबल करा पाएंगे। इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, तो वहाँ पे इंडिया की एक पोजीशन और ज़्यादा इससे अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा यूएस के साथ भारत के डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन अच्छे बढ़ जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का टैग हासिल होने के बाद जो कमर्शियल वेपन्स हैं उनकी जो लिस्ट है, इंडिया और जो कंपनीज़ हैं उनके लिए एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें की जा सकेंगी। इंडिया जो यूएस की कंपनीज़ हैं जो वेपन हमको अवेलेबल करा रही हैं, इंडिया यदि उनमें कोई चेंजेस लाना चाहता है, उनमें चाहता है कि इसमें ये लेज़र और एडवांस सिस्टम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन के तहत वो कंपनी इंडिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो वेपन्स हैं, अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भी अवेलेबल कराए जाएंगे तो उनमें चेंजेस ला सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशिया में आपका एक कोरिया है, एक जापान है, इनको ऐसा स्टेटस, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का स्टेटस मिला हुआ है और अब ये इंडिया को हासिल हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान हमारी कंट्री में पहला ऐसा स्टेट है जिसने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बायोफ्यूल के ऊपर रूल्स रेगुलेशन के लिए लाई गई थी, तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल को इम्प्लीमेंट किया है। इस पॉलिसी के तहत अब राजस्थान में जो ऑयल सीड है इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद राजस्थान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन उदयपुर एक सेंटर खोला गया है, ताकि जो अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी है इसको हार्नेस किया जा सके, इस दिशा में और ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। देखिए, हम बायोफ्यूल की बात कर लेते हैं। बात करें बायोफ्यूल की तो वेरियस प्लांट, ट्री, गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं इनमें बायोमास प्रेजेंट होता है, और इनमें जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, जैसे कि वेरियस प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन सारी चीज़ों में जो बायोमास प्रेजेंट होता है उसकी जो एनर्जी होती है इन प्रोडक्ट में, वही आपकी बायो एनर्जी कहलाती है। बायो एनर्जी जो वेरियस क्रॉप्स हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, गोबर है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इन सारी चीज़ों से जो एनर्जी बनेगी वो बायो एनर्जी कहलाएगी। अब इस बायो एनर्जी को आप हीट के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी इससे बना सकते हैं। बायो फ्यूल, देखिए, जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, क्रॉप, ट्री, प्लांट, इन सारी चीज़ों से, जैसे कि सोयाबीन है या जट्रोफा है, तो इससे आप इनके इनसे ऑयल कलेक्ट करेंगे, और ऑयल को अल्टीमेटली जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इनके साथ ब्लेंडिंग कर दी जाती है, तो उसी को फिर हम बायो फ्यूल बोलते हैं। बात करें कि बायो फ्यूल अच्छे क्यों होते हैं, तो देखिए, बायो फ्यूल एक तो ये है कि बड़े कॉमनली अवेलेबल होते हैं, दूसरा रिन्यूएबल होते हैं, मतलब ट्री, प्लांट, ये सब किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल की बात कर लेते हैं कि जो बायोफ्यूल रहता है उसमें कितनी वैरायटी होती है।
सबसे पहला जो बायोफ्यूल होता है वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को कन्वेंशनल बायोफ्यूल भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में सभी फूड प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन फूड के तौर पर कंज्यूम की जाती हैं, ऐसे फीड स्टॉक जिनको ह्यूमन के द्वारा भी एज ए फूड सोर्स कंज्यूम किया जाता है, यदि वो बायोफ्यूल के तरह यूज होते हैं तो उनको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं। इसमें शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, इन सारी चीज़ों से बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ऐसे बायोफ्यूल होते हैं जब ऐसी क्रॉप्स या कोई भी एडिबल सोर्स से बायोफ्यूल तैयार किया जाता है जो कि ह्यूमन भी उसको कंज्यूम करता है, तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल सस्टेनेबल फीड स्टॉक से मिलता है। इधर पे सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल फीड स्टॉक का मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना होता है, इसके अलावा हमारी सराउंडिंग पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको जब उगाया जाता है तो लैंड यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ते हैं, उसकी सप्लाई कैसी है। तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल सस्टेनेबल फीड स्टॉक से मिलते हैं। जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं ये भी फूड क्रॉप होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, समझ आ रहा है? तो इसी को सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं। सेकंड जनरेशन में कुछ फूड प्रोडक्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं जो कि ज़्यादा कंजम्पशन ना होता हो। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल को एडवांस बायोफ्यूल भी बोलते हैं। इसी के तहत आपका जेट्रोफा वगैरह आता है। और लास्ट है आपका थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल वो होते हैं जो कि एलगी से मिलते हैं, और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में जो भी ड्रॉबैक होते हैं वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने तीन जनरेशन के बायोफ्यूल की बात की। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ऐसे बायोफ्यूल जो कि ऐसी क्रॉप या ऐसे फीड स्टॉक होते हैं जो कि ह्यूमन उनको फूड की तरह भी कंज्यूम करता है, तो ऐसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहलाएंगे। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो कि सस्टेनेबल फीड स्टॉक से अवेलेबल होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जो फूड क्रॉप्स वगैरह हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम नहीं हो रही हैं, ग्रास वगैरह हो गई, तो ऐसी सारी चीज़ें आपकी सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में आ जाएगा। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एलगी से मिलते हैं, और इनमें फर्स्ट और जो सेकंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल में जो भी कमियां रह जाती हैं वो इनमें नहीं होती हैं। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होता है इसको 1G बायोफ्यूल भी बोलते हैं, और इसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन कंजम भी करता है ऐसे फूड को, तो इसमें आपके वीट, शुगर, ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। 2G बायोफ्यूल, इसमें एग्जांपल के तौर पर मैंने जेट्रोफा बताया है, 2G बायोफ्यूल को सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल भी बोलते हैं। इसके अलावा 3G बायोफ्यूल, 3G बायोफ्यूल में मैंने बोला कि एलगी से बनाया जाता है, लेकिन ऐसी जो एलगी होती हैं ये बहुत स्पेशली इंजीनियर्ड इनको तैयार किया जाता है, मतलब इसमें इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है, इनको एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है एलगी को, तो तब इनको पूरा प्रॉपर माहौल में इनको तैयार किया जाता है जब इनको एज ए बायोफ्यूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम शुरू में बायो एनर्जी की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे हमारे रेगुलर की चीज़ें हैं जिनसे सबसे पहले बायो ऑयल निकाला जाता है और फिर उनको ब्लेंडिंग कर दी जाती है। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, नीम है, महुआ, मस्टर्ड, सरसों, कैस्टर, करंज, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल होते हैं डीजल, पेट्रोल वगैरह, तो उसमें इनको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में सब्जेक्ट से जो पहला फीचर है इसमें कैटेगराइजेशन कर दिया गया। अभी हम बात भी कर रहे थे तो जो भी वेरियस टाइप के बायोफ्यूल हैं इनको दो कैटेगरी में डाल दिया गया। बेसिक बायोफ्यूल जिसमें आपका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल आ गए, बायोएथेनॉल, बायोडीजल, इसके अलावा एडवांस बायोफ्यूल में सेकंड जनरेशन, 3G है ना, तो इसमें 1G, 2G, 3 जनरेशन का कैटेगराइजेशन कर दिया गया था वेरियस बायोफ्यूल के लिए। इसके अलावा स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल, बायोफ्यूल तैयार करने के लिए जो भी वेरियस क्रॉप्स रहती हैं, प्लांट्स रहते हैं, इनके इनको उगाने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए जो पॉलिसी है एक्सपांड करती है, इसमें शुगर केन, जूस या ऐसी चीज़ें जिनसे शुगर हासिल होती है, शुगर बीट, स्वीट सॉर्गम, इसके अलावा स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे कॉर्न, कसावा या कुछ चीज़ें फूड ग्रेन्स डैमेज हो जाते हैं उनसे भी बायोफ्यूल बनाया जा सकेगा, जैसे कि वीट हो गया, ब्रोकन राइस, इसके अलावा रोटन पोटैटो है ना, सड़े हुए ये आलू वगैरह, इन सब इससे भी आपका बायोफ्यूल तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन टू फार्मर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फार्मर्स रहते हैं
उनके यहाँ पे यदि बम्पर प्रोडक्शन होता है तो ऐसे में मार्केट में जो क्रॉप है उसकी प्राइस घट जाती है, तो ऐसे में फार्मर्स इनकरेज नहीं रहते हैं, उनको रिस्क की कंडीशन रहती है। लेकिन इस पॉलिसी में फार्मर्स के लिए भी बात की गई है कि उनके यहाँ पे जो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा वो एथेनॉल वगैरह की ब्लेंडिंग के लिए उनके रॉ मटेरियल को परचेस कर लिया जाएगा। इसके अलावा बायबल्टी गैप फंडिंग, अभी हम बात करेंगे बायबल्टी गैप फंडिंग के बारे में। तो बायबल्टी गैप फंडिंग के थ्रू 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरीज तैयार की जाएंगी, इसमें 5,000 करोड़ रुपए 6 साल में लगाया जाएगा। ठीक है, बायबल्टी गैप फंडिंग को यूज़ करते हुए 2G एथेनॉल की बायो रिफाइनरीज जो कि तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए में तैयार होना है, तो इसको 6 साल के लिए बायबल्टी गैप फंडिंग के थ्रू इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नॉन एडिबल ऑयल सीड है ना, जो चीज़ें खाई नहीं जाती उनसे जो ऑयल सीड मिलता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल या शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप, ऐसी फसलें जो बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इनका यूज़ करके जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है इसमें बात की गई है कि इन ऑयल सीड या जो भी कुकिंग ऑयल वगैरह है ऐसी क्रॉप्स को यूज़ करके बायोडीजल प्रोडक्शन करने के लिए सप्लाई चेन पूरी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बारे में। हमने बात करी कि राजस्थान में बायोफ्यूल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई है, पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे बायोफ्यूल पॉलिसी लाई जा रही है, और जिसमें राजस्थान में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इससे, और वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है ताकि इस फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च की जा सके। हमने बायोफ्यूल पॉलिसी के पूरे फीचर देखे, और हमने हाँ इधर पे क्या बेनिफिट होंगे तो इसकी और हम बात कर लेते हैं। देखिए, बायोफ्यूल को एक प्रोडक्शन को यदि बढ़ावा मिलेगा तो इसके जो बेनिफिट हैं बड़े सिंपल हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, देखिए इससे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्लीनर इन्वायरमेंट, ठीक है, हेल्थ के बेनिफिट हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाएगा, एडिशनल इनकम हो जाएगी फार्मर्स के लिए। इसके अलावा हमने बायोफ्यूल की भी पूरी बात कर ली। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना रह गई है कि बायबल्टी गैप फंडिंग क्या होती है। देखिए, बायबल्टी गैप फंडिंग गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब उनमें पैसा लगाने के बाद जो रिटर्न है वो बहुत धीरे धीरे आएगा, बहुत लंबे समय में आएगा, तो ऐसे में कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट बायबल्टी गैप फंडिंग का यूज़ करती है। इसके तहत जो प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं उनकी बिडिंग कराई जाती है, ठीक है, और बिडिंग के बाद जो पर्टिकुलर कंपनी वगैरह रहेगी उसको गवर्नमेंट सब्सिडी, कैपिटल की सब्सिडी दे देती है। एक उसमें एक बार की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है या डिफर्ड सब्सिडी दी जाती है, टुकड़े टुकड़े करके पैसे दे दिए जाते हैं ताकि जो कंपनी है वो अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके बायबल्टी गैप फंडिंग के प्रोजेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, बायबल्टी गैप फंडिंग के तहत जो भी टोटल अमाउंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उसमें से कंडीशन रहती है कि 20% ही बायबल्टी गैप फंडिंग के तहत सब्सिडी दी जाती है कैपिटल की। एक बार में पैसा दिया जाता है या टुकड़े टुकड़े करके पैसा दे दिया जाता है ताकि कोई भी कंपनी है वो इंटरेस्टेड हो जाए और प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में, और हमने काफ़ी डिटेल से पूरी बातें डिस्कस करी। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ टेस्ट के बारे में है। यहाँ पर टेस्ट का फुल फॉर्म ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, नासा का ये एक मिशन है और फिलहाल में इसने काम करना शुरू कर दिया है। बात करते हैं टेस्ट मिशन की। जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट का फुल फॉर्म ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। ये एक नासा का मिशन है और हमारी अर्थ में जो स्काई है इसका मकसद ऐसे प्लैनेट्स का पता लगाना है जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। इसके अलावा नासा के टेस्ट मिशन के और भी काम हैं, जैसे कि ये तकरीबन 2 लाख ऐसे स्टार को मॉनिटर कर रहा है जिनको ऐसा लगता है कि ये एक्सोप्लैनेट हो सकते हैं। इसके अलावा केपलर से 30 से 100 गुना ज़्यादा चमकदार जो स्टार हैं ये उन पर भी अपनी नज़र रखता है। टेस्ट मिशन के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम के बाहर भी यदि इस टाइप की कोई पोजिशन है तो ये उसको पता लगाता है। इसके अलावा नासा के इस मिशन के द्वारा हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इसकी क्या मैकेनिज्म है, इन सारी बातों का भी पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना नासा का टेस्ट मिशन के बारे में, जहाँ पे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है, और मैंने बोला कि हमारे स्काई में ये ऐसे प्लैनेट्स का पता लगा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार को रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा ये 2 लाख एक्सोप्लैनेट को भी मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा केपलर जो कि सबसे चमकीला तारा था तो इससे भी ज़्यादा जो चमकदार सितारे हैं
3200 टाइम ब्राइटर, तो ये उन स्टार को भी नज़र रखता है, उन पर फोकस करता है। इससे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी और ज़्यादा स्टडी और ज़्यादा जानकारी लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2018 के बारे में है। देखिए ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आर्टिकल आया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के द्वारा पास किया गया। इस होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल के तहत जो पहले से सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी काम कर रही थी, अब इस बॉडी को हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक नया बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाएगा जो कि होम्योपैथी में एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा। इस बिल के कुछ फीचर हैं, जैसे कि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल में जो 1973 में एक्ट आया था उसको अमेंड कर दिया जाएगा और इसमें सेंट्रल काउंसिल को हटाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया जाएगा जो कि सेंट्रल काउंसिल के पास जो पावर थी उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसमें 7 मेंबर होंगे, इनमें से एक जो पर्सन होगा वो होम्योपैथी की एजुकेशन फील्ड में एमिनेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए। इसके अलावा कोई एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी वो होगा। इसके अलावा ये सारे लोग मिलके पूरा 7 लोगों का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाएगा जो कि पॉलिसी डिसीजन डायरेक्शन इन सारे मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देंगे। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि जो होम्योपैथिक कॉलेज हैं पहले से, कोई भी नया यदि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है या पहले से कोई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और उसमें नए कोर्स चलाए जाते हैं तो ऐसे में उनको एक साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जो भी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। बहरहाल काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल जिसमें होम्योपैथिक फील्ड में जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी थी उसको रिप्लेस करके बोर्ड ऑफ गवर्नर एक नई बॉडी बनाई जा रही है जो कि होम्योपैथी में एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाएगी, उसकी क्वालिटी को और अच्छा करेगी और अकाउंटेबिलिटी भी लेके आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्कू टॉयट के बारे में है। इपिथीलियल सेल जब बैंड होती हैं तो टिश्यू के कर्व होने के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है वह जो अदर ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, क्यूब होता है, पिरामिड होता है, तो इसी जैसे एक ज्योमेट्रिकल शेप का पता चला है जिसका नाम स्क्यूटॉइड है। फिर से बोलता हूँ, बॉडी में इपिथीलियल सेल के बेंड होने पर टिश्यू जब कर्व होते हैं तो एक नए स्ट्रक्चर का पता चला है जिसको स्क्यूटॉइड नाम दिया है जो कि ट्विस्टेड प्रिज्म की तरह दिखता है। बात करें इपिथीलियल सेल की तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए जो कंस्ट्रक्शन ब्लॉक होते हैं, जो ज़रूरी सेल्स हैं, वही इपिथीलियल सेल्स होती हैं। डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो रहता है तो एम्ब्रियो में इपिथीलियल सेल्स के कारण ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है, इसकी सेल्स में डिवीजन होता चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्क्यूटॉइड पूछा जा सकता है कि क्या होता है स्क्यूटॉइड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप है, अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात की, जिसमें मैंने बताया था कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट है, उसका खर्च गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाता है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्रॉस द कंट्री कहीं भी सेकेंडरी और टर्शरी, इसके बाद जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी ट्रीटमेंट का जो खर्च रहता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें उठाया जाएगा। हमने इसमें काफ़ी डिटेल से बात की थी कि कौन कौन लोग कवर किए गए हैं, कच्चा मकान, पक्का मकान, हमने काफ़ी डिटेल से इसको चर्चा किया था। इसके बाद होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल, हमने इस बिल के तहत बात की थी कि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल जो आया है इसमें पहले से जो बॉडी थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, अब इसको हटाकर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाएगा ताकि होम्योपैथी की एजुकेशन में और सुधार लाया जा सके, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई जा सके। इसके बाद हमने स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन फर्स्ट स्टेटस के बारे में बात की थी, जिसमें बताया था मैंने कि US गवर्नमेंट ने इंडिया को STA का फर्स्ट स्टेटस दिया है, स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का स्टेटस दिया है। इसके द्वारा अब इंडिया को US की जो डिफेंस वेपन बनाने वाली कंपनी है, इंडिया अब उनसे और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के वेपन खरीद सकेगा। इसके बाद हमने
हमने बायोफ्यूल पॉलिसी की बात की, जिसमें मैंने बताया कि राजस्थान हमारी कंट्री में ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। हमने बायोफ्यूल के बारे में भी काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी और हमने बायोफ्यूल के टाइप भी समझे थे। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल होता है जो कि ऐसी क्रॉप या मटेरियल से बनाया जाता है जो कि ह्यूमन के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है, वो फर्स्ट जनरेशन था। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल में हमने बोला था कि सस्टेनेबल फीड स्टॉक या जो बहुत रफ टाइप की क्रॉप्स होती हैं उनसे जो बायोफ्यूल बनाया जाता है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है, और थर्ड जनरेशन में एल्गी वगैरह से बनाया जाता है। और सबसे लास्ट में हमने टेस्ट के बारे में बात की थी जिसका फुल फॉर्म ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट था, और हमने इसमें बताया था कि नासा का ये एक मिशन है जो कि हमारे अर्थ सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार के अराउंड में जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं ये उनकी जानकारी देगा। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट मतलब जो हमारे प्लैनेट सिस्टम के अलावा जो प्लैनेट सिस्टम है दैट इज़ एक्सोप्लैनेट, तो ये 2 लाख एक्सोप्लैनेट को भी मॉनिटर करता है। इसके अलावा हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या केपलर जो कि एक स्टार था तो इससे भी 30 से 100 गुना ज़्यादा जो चमकदार स्टार हैं ये उनकी भी जानकारी देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और दोस्तों आज थोड़ा लेट हो गए, कोशिश करेंगे कल से वीडियो थोड़ा और जल्दी अवेलेबल करा सकूं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।